नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं AirOS के बारे में। पोको F1 डिवाइस के लिए एंड्रॉइड 13 के साथ AirOS का जो बिल्ड है अवेलेबल हो गया है। एंड यहाँ पर इस वीडियो के दौरान पोको F1 डिवाइस के ऊपर एंड्रॉइड 13 का जो AirOS का जो कस्टम रॉम है किस तरह से इंस्टॉल करते हैं उसके बारे में वीडियो है। वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर AirOS के साथ एंड्रॉइड 13 का जो बिल्ड है अवेलेबल हो गया है। कुछ इस तरह से एंड्रॉइड 13 का जो स्टार्ट एग है ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर एज बिल्ड है तो अनऑफिशियल बिल्ड है, पर 5th अगस्त का जो सिक्योरिटी पैच बिल्ड है ऐड किया गया है। कर्नल की अगर बात करें 4.9 कर्नल के साथ एज बिल्ड है अवेलेबल है। यहाँ पर एंड्रॉइड 13 के साथ पोको F1 डिवाइस के लिए एज बिल्ड है तो पहला बिल्ड है, इसलिए कुछ कुछ ऑप्शन शायद काम ना करे, चीज आपको ध्यान में रखना होगा। बट यहाँ पर कुछ इस तरह से UI देने को मिल जाएगा AirOS के साथ। एंड पर एंड्रॉइड 13 के साथ सभी जो फीचर्स पर ऐड किया गया है काफी बढ़िया बात है। पर कुछ इस तरह से क्विक सेटिंग्स पैनल का जो UI है देने को मिलेगा। पर 100 मोड का टॉगल है, पर QR कोड को स्कैन करने के लिए जो टॉगल इसे भी ऐड किया गया है काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट विदाउट मैजिक्स विदाउट रूट सेफ्टीनेट पास हो जाएगा, मतलब गूगल पे फोन पे इस तरह के जो एप्लीकेशन से बाय डिफॉल्ट काम करेगा। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सेफ्टीनेट पास हो जाएगा। एंड एज बिल्ड है तो इनक्रिप्टेड बिल्ड नहीं है। प्लस यहाँ पर स्टॉम के साथ जो बाय डिफॉल्ट GApps अवेलेबल है, आपको अलग से GApps को फ्लैश नहीं करना होगा। स्टॉम के साथ जो बाय डिफॉल्ट प्ले स्टोर अवेलेबल है काफी बढ़िया बात है। एंड अगर बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, यहाँ पर एंड्रॉइड 13 के साथ जो स्मूथ परफॉर्मेंस देने को मिलेगा। यहाँ पर हमने कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशंस को रन किया था स्टॉम के ऊपर। यहाँ पर एंड्रॉइड 13 के साथ जो काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देने को मिल जाएगा। यहाँ पर 3D मार्क के साथ वाइल्ड लाइफ के ऊपर जो है 1098 का स्कोर है। यहाँ पर पोको F1 डिवाइस के साथ 3D मार्क के साथ वाइल्ड लाइफ के ऊपर 1098 का स्कोर है। अगर बात करें पर गिगबेंच 5 के बारे में, यहाँ पर जो है सिंगल कोर के साथ 475 एंड मल्टी कोर के साथ जो है 1204 का स्कोर है गिगबेंच 5.4.4 के साथ एंड्रॉइड 13 के साथ। तो यहाँ पर एवरेज जो स्कोर है सिंगल कोर के साथ जो है एवरेज से ज्यादा स्कोर देने को मिल गया है। प्लस यहाँ पर जो मल्टी कोर का जो स्कोर है एवरेज से ज्यादा है। अगर बात करें पर CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट के बारे में, लगभग 5 मिनट के लिए ये जो टेस्ट है हमने रन किया था, मैक्स गया है 214, एवरेज है 204, मिनिमम है 195। यहाँ पर 92% का CPU थ्रॉटल देने को मिल गया है। मैक्स CPU गया है 2.80 GHz तक। तो यहाँ पर CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट के साथ जो काफी बढ़िया इसको देने को मिल जाएगा। नॉर्मली पोको F1 डिवाइस के ऊपर जो 180 के आसपास मैक्स रहते हैं, पर मैक्स है 214। तो यहाँ पर CPU थ्रॉटलिंग गिगबेंच 5 एंड यहाँ पर जो 3D मार्क के साथ जो काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देने को मिल जाएगा। ओवरऑल इस रॉम के साथ जो इस कर्नल के साथ AirOS के साथ जो है पर एंड्रॉइड 13 के साथ काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देने को मिलेगा। अगर बात करें पर कैमरा टेप के बारे में, यहाँ पर कैमरा टेप के साथ जो फुल का सपोर्ट है, पर GCam काम कर जाएगा, गूगल कैमरा पर काम करता है। एंड यहाँ पर कैमरा को भी काम कर जाएगा, पोर्ट्रेट मोड, फोटो वीडियो ऐसे भी ऑप्शन अवेलेबल है। एंड बाय डिफॉल्ट ये वाला जो कैमरा एप्लीकेशन इसे भी ऐड किया गया है पर एंड्रॉइड 13 के साथ जो कुछ इस तरह से UI देने को मिलेगा। तो पर ये वाला जो कैमरा एप्लीकेशन से बाय डिफॉल्ट ऐड किया गया है काफी बढ़िया बात है। एंड ऐसे भी फीचर्स अवेलेबल है। यहाँ पर सिस्टम के ऊपर जो है, यहाँ पर सिस्टम अपडेट के ऊपर जो है एंड्रॉइड 13 का ऑप्शन है, पर लाइव ट्रांसलेट का ऑप्शन है, गेशेस के ऊपर जो है क्विकली ओपन कैमरा का ऑप्शन है। आप सिंपली पावर बटन को डबल प्रेस करके कैमरा एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। पर सिस्टम नेविगेशन के ऊपर 2-बटन नेविगेशन का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है। पर 100 मोड का ऑप्शन है, प्रेस एंड होल्ड पावर बटन का ऑप्शन है। यहाँ पर लोकेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, प्राइवेसी के ऊपर कैमरा एक्सेस, माइक्रोफोन एक्सेस का ऑप्शन है, प्राइवेसी डैशबोर्ड को ऐड किया गया है। एंड्रॉइड 13 के साथ भी प्राइवेसी को इम्प्रूव किया गया है। यहाँ पर इस बिल्ड के साथ जो फेस अनलॉक का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है, पर फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। अगर बात करें फिंगरप्रिंट के बारे में, सिंपली टैप किया ओपन हो गया, पर फिंगरप्रिंट सेंसर काम कर चुका, बहुत ही फास्ट आपका जो डिवाइस है अनलॉक हो जाएगा। पर फिंगरप्रिंट सेंसर काम करते काफी बढ़िया बात है, पर फेस अनलॉक का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है। अगर बात करें पर एक्सेसिबिलिटी सेंसर के बारे में, पर जो है एक्स्ट्रा डिम का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर वाइब्रेशन हैप्टिक का ऑप्शन है, लाइव कैप्शन का ऑप्शन, पर ऑडियो एडजस्टमेंट का ऑप्शन इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर डिस्प्ले के साथ जो पर मैक्सिमम ब्राइटनेस यानी पर लो ब्राइटनेस के साथ कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पर मैक्सिमम ब्राइटनेस एंड लो ब्राइटनेस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, पर ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन है। यहाँ पर लोकेशन के ऊपर जो है टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो, पर नाउ प्लिंग का ऑप्शन इसे भी ऐड किया गया है। पोको F1 डिवाइस के साथ एंड्रॉइड 13 के साथ नाउ प्लिंग का जो ऑप्शन से काम करेगा। प्लस यहाँ पर जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। पोको F1 डिवाइस के साथ जो है AirOS के साथ कुछ इस तरह से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का देने को मिलेगा। अगर आप पोको F1 डिवाइस के ऊपर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को यूज करोगे, आपको थोड़ा सा ज्यादा बैटरी ड्रेन देने को मिलेगा।
या पर वेकअप स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन का ऑप्शन, जब भी आपके डिवाइस को भी नोटिफिकेशन आएगा ऑटोमेटिकली डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। पर डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट का जो ऑप्शन है इसे भी रीडिजाइन किया गया है। या पर नाइट लाइट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा पोको फोन डिवाइस के ऊपर। या पर डबल टैप टू वेकअप का ऑप्शन इससे पहले बचे, टैप टू वेकअप का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इसे भी ऐड किया गया है। या पर साउंड एंड वाइब्रेशन के ऊपर ऐसे भी ऑप्शन है, लाइव कैप्शन, नाउ प्लिंग का ऑप्शन है, वाइब्रेशन एंड हैप्टिक का ऑप्शन इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर ऐसे भी ऑप्शन है, यहाँ पर ऑलवेज शो आइकन व्हेन इन वाइब्रेट मोड का ऑप्शन है। पर एम आई का जो साउंड एनहाइजर इसे भी ऐड किया गया है। पर अलग अलग हेडफोन टाइप का ऑप्शन है, अलग अलग जो प्रीसेट का ऑप्शन इसे भी ऐड किया गया है। प्लस पर क्लियर स्पीकर का ऑप्शन है, तो यहाँ पर स्पीकर के ऊपर जो भी डस्ट रहेगा ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा। पर क्लियर स्पीकर का ऑप्शन इसे भी ऐड किया गया है। अगर बात करें पर बैटरी बैकअप के बारे में, पर बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन है, सरस वर्क पर जो बैटरी परसेंटेज को दिखा सकते हो। प्लस पर जो है एडेप्टिव बैटरी का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। पर थर्मल प्रोफाइल का ऑप्शन है, एंड पर थर्मल प्रोफाइल के ऊपर जो इससे भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर बात करें बैटरी बैकअप के बारे में, पर पोको फोन डिवाइस के साथ जो लगभग 5 आवर से 6 आवर के आसपास जो पर बैटरी बैकअप देने को मिल जाएगा। ओवरऑल जो बैटरी बैकअप है डिपेंड करता है कौन कौन से एप्लीकेशन यूज करो। प्लस एज बिल्ड दोस्तों पहला बिल्ड है एंड्रॉइड 13 के साथ पोको फोन डिवाइस के ऊपर, तो इसलिए आपको शायद इतना बढ़िया बैटरी बैकअप देने को ना मिले। या पर नोटिफिकेशन के ऊपर एनहांस नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, ब्लिंक लाइट का ऑप्शन है, नोटिफिकेशन डॉट ऑन ऐप आइकन का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। या पर वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, मोबाइल डेटा, फ्लैश लाइट, लोकेशन का जो ऑप्शन है, पर नाइट लाइट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। प्लस पर जो एक्स्ट्रा डिम का जो ऑप्शन से काम करेगा। पर 100 मोड का जो ऑप्शन इसे भी ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। प्लस पर जो है डार्क मोड का ऑप्शन है, हॉटस्पॉट का ऑप्शन है, पर क्यूआर कोड को स्कैन करने का जो टॉगल इसे भी ऐड किया गया है। ऑलमोस्ट सभी जो ऑप्शन पर काम कर जाएगा इस बिल्ड के साथ, काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर जो है इस बिल्ड के साथ कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐसे ऑप्शन को ऐड किया गया है। यहाँ पर मॉनेंड यूआई का जो ऑप्शन है उसे भी इंप्रूव किया गया है कुछ इस तरह से, डार्क मोड के साथ जो यहाँ पर यूआई देने को मिलेगा। यहाँ पर एंड्रॉइड 13 के साथ जो मॉनेंड यूआई को इंप्रूव किया गया है, पर थीम आइकन का ऑप्शन से काम कर जाएगा। प्लस पर जो है अपग्रेड के ऊपर ऐसे भी ऑप्शन अवेलेबल है, काफी बढ़िया बात है। तो यहाँ पर आप डेफिनेटली इस को ट्राई करके देख सकते हो पोको फोन डिवाइस के ऊपर। यहाँ पर एंड्रॉइड 13 का एजिबिलिटी दोस्तों एडोस के साथ अवेलेबल हो गया है पोको फोन डिवाइस के ऊपर। नंबर बात कर लेते पर एंड्रॉइड 13 को किस तरह से इंस्टॉल करना होगा पोको फोन डिवाइस के ऊपर, तो कोई भी कस्टम रॉम को इंस्टॉल करने से पहले मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा। जो भी इंपॉर्टेंट डेटा आपके डिवाइस के ऊपर, जो भी इंपॉर्टेंट फाइल आपके डिवाइस के ऊपर, उसका जो बैकअप क्रिएट करना काफी जरूरी है, क्योंकि एज बिल्ड दोस्तों एंड्रॉइड 13 के साथ पहला बिल्ड, इसलिए जो कुछ कुछ इश्यू देने को मिल सकता है। सबसे पहले यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडोएस का डाउनलोड लिंक देने को मिल जाएगा, वहां पर जाकर इस रॉम को डाउनलोड करना होगा। इस रॉम के साथ जो बाय डिफॉल्ट जीएप्स अवेलेबल है, आपको अलग से जीएप्स को फ्लैश नहीं करना होगा। यहाँ पर पोको फोन डिवाइस के ऊपर कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होना चाहिए, पर ऑरेंज फॉक्स रिकवरी प्लस यहाँ पर जो है TWRP रिकवरी के साथ जो इस रॉम को फ्लैश कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर सेटिंग्स में जाके यहाँ पर स्क्रीन लॉक का जो ऑप्शन है इसे रिमूव करना होगा। तो यहाँ पर सिंपली स्क्रीन लॉक का जो ऑप्शन है इसे रिमूव करना काफी जरूरी है, तो सिंपली यहाँ पर स्क्रीन लॉक का जो ऑप्शन है अगर रिमूव नहीं करोगे तो यहाँ पर कस्टम रिकवरी के साथ जो इंटरनल स्टोरेज है देने को नहीं मिलेगा। सिंपली यहाँ पर स्क्रीन लॉक का जो ऑप्शन है इसे रिमूव करने के बाद, तो यहाँ पर हमने स्क्रीन लॉक का जो ऑप्शन है इसे रिमूव किया है, उसके बाद कस्टम रिकवरी को बूट करना होगा। पर कस्टम रिकवरी को बूट करने के लिए सिंपली यहाँ पर फोन को ऑफ करने के बाद पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को एक साथ लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपका जो डिवाइस है कस्टम रिकवरी के साथ बूट हो जाएगा। सिंपली बच्चे पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन के साथ जो पर कस्टम रिकवरी को बूट कर सकते हो। पर ऑरेंज फॉक्स रिकवरी प्लस TWRP रिकवरी के साथ इस रॉम को फ्लैश कर सकते हो। हम यहाँ पर TWRP रिकवरी के साथ जो इस रॉम को फ्लैश करने वाले हैं, सिमिलर स्टेप को फॉलो करना होगा ऑरेंज फॉक्स रिकवरी के साथ। सबसे पहले यहाँ पर जो बैकअप में जाके कार्डन रॉम का बैकअप क्रिएट करो, बाद में आप चाहो तो रिस्टोर भी कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर बैकअप में जाके कार्डन रॉम का बैकअप क्रिएट करना होगा। बैकअप क्रिएट करने के बाद सिंपली बैक आके वाइप में जाके एडवांस वाइप में जाके डेल्विक डेटा कैशे सिस्टम, तो यहाँ पर डेल्विक डेटा कैशे सिस्टम में चार ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। इंटरनल स्टोरेज प्लस वेंडर का जो ऑप्शन सिलेक्ट मत करना। उसके बाद जो सिंपली यहाँ पर जो है स्वाइप करके वाइप कर देना होगा। यहाँ पर वाइप करने के बाद सिंपली यहाँ पर जो है इंस्टॉल में जाना होगा। इंस्टॉल में जाने के बाद जिस भी फोल्डर के ऊपर अपने इस रॉम को डाउनलोड किया है उस फोल्डर में जाके रॉम को सिलेक्ट करके सिंपली यहाँ पर जो है स्वाइप करके फ्लैश कर देना होगा। यहाँ पर रॉम फ्लैश होने में लगभग यहाँ पर जो है 5 मिनट के आसपास टाइम लगेगा। रॉम फ्लैश होने के बाद सिंपली यहाँ पर जो है बैक आके यहाँ पर रिबूट टू सिस्टम का जो ऑप्शन है इसमें टैप करना होगा। यहाँ पर फास्ट बूट में लगभग यहाँ पर जो है 5 मिनट के आसपास टाइम लगेगा। उसके बाद आपको सिंपली रॉम को सेटअप करना होगा। कुछ इस तरह से आप जो है एंड्रॉइड 13 का जो एडोस का जो कस्टम रॉम है इंस्टॉल कर सकते हो पोको फोन डिवाइस के ऊपर।
एंड वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिए कि इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। एंड पोको फन का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जगह अलग अलग कस्टम रोम का जो वीडियो है उसे भी आप चेकआउट करके देखो। एंड अभी फिलहाल आपको और भी ज़्यादा एंड्रॉइड 13 का जो कस्टम रोम का जो बेल्ट देने को मिलेगा पोको फन डिवाइस के लिए अलग अलग कस्टम रोम के साथ जो है जो बेल्ट देने को मिलेगा। अब जरूर से जो एडोस का जो बेल्ट है ट्राई करके देखो पोको फन डिवाइस के ऊपर। एंड यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी ऑप्शन से काम कर रहे हैं, प्लस यहाँ पर काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देने को मिल जाएगा एंड्रॉइड 13 के साथ पोको फन डिवाइस के ऊपर। एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।